दोस्तों, एक शेर है। ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। जो पिछले दिनी तरन तारण जिले के विच वापरिया, MLA खडूर साहब मनजिंदर सिंह लालपुरा ते SSP गुरमीत सिंह चौहान के दौरान, कि SSP ने उत्थे तरन तारण जिले के विच एक माइनिंग माफिया फड़िया, रेत कड़ता जिहड़ा इलीगल माइनिंग कर रहा सीगा। बड़े जोर शोर नाल उत्थे रेता कढ़ी जा रही सी, जिदे विच जदों परचा दिता जांदा ते मौके दे उत्ते MLA खडूर साहब दा एक करीबी रिश्तेदार फड़िया जांदा। उस तो बाद MLA सोशल मीडिया दे उत्ते लाइव हुंदा, एक पोस्ट पाउंदा फेसबुक दे उत्ते, फिर वक्-वक् चैनल्स नूं वो इंटरव्यू दिंदा है ते और धमकियां लाउंदा SSP नूं कि तू वर्दी ला, मैं फिर तैनूं दसदा वां, तू अस्तीफा दे दे, तू पैसे लैना ते उत्ते तक दिना वां। तरह तरह दियां जिहड़ियां गल्लां कीतियां जांदियां और उहनूं चैलेंज कीता जांदा कि तैनूं इत्थे मैं रहिण नहीं देणा, जां तूं रहेगा जां मैं रहूंगा। इस तरीके दियां इस लैवल दे अफसर नूं जिहड़ियां धमकियां लाइया जांदियां और अगले दिन SSP ते उहदा जिहड़ा स्टाफ है उह बदल दिता जांदा, उस जिले दे विचों SSP नूं हैडकुआटर भेज दिता जांदा। और मैं सार भगवंत सिंह मान जी तुहानूं पुछणा चाहुंदा कि जद वीडियोज़ आ गई MLA दे रिश्तेदार दियां, जिथे रेता निकल रही है उत्थे वीडियो बना रहा, वह खलो के उत्थे ही खलोता माइनिंग करदे दियां नोटां दियां थद्दियां दियां उहदियां कई वीडियोज़ आ गई, उहदे घर दे विच पोकलैंड JCB मशीनां लगियां ने जिन्हां दा कोई काम ही नहीं सवाए उत्थे रेता कढ़न तों, फिर ये कार्रवाई पुलिस दे उत्ते होनी चाहिए सी कि उस MLA जां होर जिहड़े लोग इनवॉल्व ने उहनां दे उत्ते होनी चाहिए सी। असल दे विच मान साहब तुसीं एक मैसेज दिता अफसरशाही नूं कि MLA जिन्ने भी हैगे आ तुहाडे, उहनां दे कहिण ते ही तुहानूं चलना पैणा, पिछलियां अकाली कांग्रेस दियां सरकारां दे वांग इहनां दियां दुकानां चलाओगे ते तुसीं इलाकियां दे विच फील्ड च लगे रहोगे, नहीं ते तुहाडियां जिहड़ियां उह बदलियां कर दित्तियां जाणगियां। मैं तुहाडे बारे भी विचार लैणा कहणियां चाहुंदा। मैं अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते कहिंदा हुंदा सी, पर उहदे विच ते तुहाडे च फर्क इन्ना की है कि उह खुद वी नाल चोरियां करन लग पिया सीगा ते तुसीं अजे तक उह तों बचे हो। मैं तुहाडे लई वी इह दो लैणा जिहड़ियां कहणियां चाहुंदा राहत तंदौरी साहब दियां, कि झूठ से सच से जिससे भी जारी रखें, आप अपनी तकरीर जारी रखें, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे कीमत हमारी रखें, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखें, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते कर्म बारी बारी रखें। भी सारिया ते तुसी अपना जिहड़ा आशीर्वाद आ, जिन्ने तुहाडे MLA मंत्री ठगियां मारदे ने उहनां दे उत्ते तुसी इश्ते अपना जिहड़ा आशीर्वाद उह बना के रख्या। इह कोई पहला मौका नहीं है कि जदों रेत माफिया जां किसे भी नशा माफिया दे करके किसी एडे वे अफसर की बदली की जाती है। मैं याद है इस तो पहला हुशियारपुर के भी एक केस होया और तो बंदे इनवॉल्व सके तो सरकार दे, मेरा ख्याल है नीलांबरी शायद उदो SSP सके, उन्होंने भी उतों बदल दिता गया, तो डेपूटेशन ते चले गए पंजाब छड के। ये पंजाब के जोड़े हालात बनते नज़र आ रहे हैं। हूँ भी मैं कल परसों कोई अफसर दस रहा है, मैं पुष्टि नहीं करता, पर इस गल मेरा ख्याल है कि गल सही है कि भी दे करीब जिहड़े PPS अफसर ने अस्तीफे जिहड़े अपने दे के बैठे ने, जिहड़े मंजूर नहीं हो रहे भी सरकार की जिहड़ी बदनामी हो जाणी है। जे इहो ही हाल रहा तो फिर कौन रोकूगा यार माफिया नूं, कौन रोकूगा रेत माफिया नूं, कौन रोकूगा नशा माफिया नूं, कौन रोकूगा मैडिकल माफिया नूं, कौन रोकूगा जिहड़ा सिख्या माफिया वा। ये फिर किस तरीके किहड़े अफसर ने जिन्हां दा तुसीं मनोबल सुट्टोगे ते किहड़ा अफसर इत्थे काम करूगा। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा भगवंत सिंह, कि तेरे ते सरकार दे उत्ते लोकां दा विश्वास जिहड़ा वा ना सरकार दे उत्ते, वो सिर्फ अजे तक तेरे करके बची जांदा, नहीं ते तेरे जिहड़े अली बाबे दे 40 चोर आ ना, इन्हां ने आती करा दित्ती पंजाब दे विच और इन्हां दा हर काम दे विच हिस्सा, हर काम च हिस्सा पाउण दी कोशिश करदे आ, चाहे वह किसी का व्यापार है ते चाहे वह माफिया वा। पंजाब पहला ही तबाह है, पंजाब दे पल्ले पहला ही कुछ नहीं। आपां ते रेवेन्यू इकट्ठा करन दीआं गल्लां कीतीआं सीगीआं ते की रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा, तो रहिंदा खुंदा इन्हां लोकां ने तबाह कर देना वा। तुहाडा फर्ज़ बणदा इन्हां दे उत्ते कंट्रोल करो, इन्हां दे हालात पता की बने आ, जिवें MLA टारा मारदा सीगा भी मैं इहनूं बदला के छड्डणा और उस तों बाद उह फखर दिखा रहा कि मैं इहदी बदली कराई आ। मैं इन्हां सारे जिन्ने चोर लटेरे MLA उन्हां बारे एक गल कहां ना कि बांदरां हथ बगीचे आए बहुत माड़ा ए हशर करनगे, खिड़िया बाग उजाड़नगे ते करतूतां उत्ते फखर करनगे। भी इहो जिहियां करतूतां करके भी फखर करदे हो भी एक बंदा तुहानूं माइनिंग रोक रहा, एक बंदा तुहाडे उत्ते उहने परचा दर्ज कीता ते तुसीं उहनूं डराउणा ते उहदी बदली कराउणी शुरू कर दित्ती। मैं किसे दी साधी नहीं दिंदा भी बहुत ईमानदार होऊगा, इस तों पहलां आपां क्यों नहीं बोले जदों आपणे रिश्तेदार दे उत्ते परचा हुंदा, ते फिर ही आपां इह पोस्टां क्यों पाईआं, फिर ही आपां उहदे दुआले ते फिर ही उहदी बदली वल क्यों तुरे आ, जे उह पहलां ही करप्ट सीगा, जे उह पहलां ही माड़े काम करदा सीगा ते आवाज़ पहलां भी चुकणी चाहीदी सी।
जदों की उस एम एल ए के उत्ते मैं मान साहब तुहानू कहण लगा उस एम एल ए के उत्ते परचा दर्ज होना चाहिए सी, उन्हें धमकी दी आ, फिर उहदी नीयत पता लगती आ, जिहदे विच उह कह रहा कि तू इस्तीफा दे दे, तेनू तो बड़ा चिर हो गया नौकरी करदे नू, मैं नवा नवा बणिया अजे, मतलब तू अजे कमाई करनी उहने ते बहुत कर ली आ, तुहाडी सोच आ यार, आ तुसी कहना चाहुंदे हो, साफ नज़र आ रहा भी उह की कहना चाह रहा भी मैं नवा नवा बणिया, मतलब मैनू पैसे कमा लैण दो, मैनू रेता कढ लैण दो, मैनू नहीं समझ आई। उस एस एस पी साहब का बड़ा ही स्वागत हो रहा फुलां दे नाल, उह जांदे जांदे रपट क्यों नहीं लेके गए, वह परचा दर्ज क्यों नहीं करके गए भी जिहड़ी उहनां नू धमकी दित्ती गई आ साफ सोशल मीडिया दे उत्ते ते जनतक जिहड़ी उह धमकी दित्ती गई आ, यह भी उन्होंने इतों करके जाना चाहिए सीगा, और होर ज़्यादा जी दलेरी विखानी चाहिए सी। फिर वह एम एल ए कह रहा कि उत्तों तक पैसे जाते हैं, सो मैं मान साहब तुहानू पुछना चाहुंदा भी कितों तक पैसे जाते हैं, पंजाब की जिहड़ी कलैक्शन आ कौन कर रहा, पंजाब के रेवन्यू नू कौन लुट रहा, पुलिस किनू पैसे दे रही आ, जां अफसर किनू पैसे दे रहे हैं, जे एम एल ए जिहड़ियां खड्डां चलाउंदे अकाली कांग्रसियां दे वांग, फिर उपर तक हिस्सा किनू जा रहा वा, की गल, जांच का विषय नहीं गा, तुसीं सारा कुछ तो इहनूं बंद करन आए सीगे जदों वोटां हुंदियां वा, उदों आपां किन्ने लारे किन्ने सुपने विखाए लोगों नूं कि असीं बड़ी तरह का बदलाव लैके आवांगे, रेत माफिया तो इन्ने पैसे जिहड़े उह रेता तो कट्ठे कीते जाणगे, आह पैसा ट्रांसपोर्ट तो कट्ठा कीता जाऊगा, मैनूं वी लगदा सीगा कि पंजाब दा रेवन्यू जिहड़ा उह लीहां दे उत्ते आजूगा, पंजाब दे विच समान सस्ता होजूगा, लोगों नूं कारोबार मिलेगा, इहनां दे उत्ते टैक्स घटणगे, पर तुहाडे लोगों ने भी तुसीं लोक भी उही चीज़ां करके विखा रहे हो कि जदों वोटां लैणियां उदों गल्लां होर ने, ते जदों वोटां लै लईआं ते उस तों बाद होर ने। मैं एक गल कहनी ना कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं, वक्त वक्त बदलेगा तो इस बार पूछूंगा उसे कि तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं, कि जदों तुहाडा टाइम बदलता जदों तुसी ताकत च आ जाते हो तो फिर क्यों तुसी भी बदल जाते हो, क्यों नहीं तुहाडी सोच जिहड़ी जो वोटां तो पहला हुंदी आ ते ओही वोटां तो बाद जिहड़ी उह रहिणी चाहीदी आ, मैनूं समझ नहीं आउंदी। 92 दे करीब एम एल ए तुहाडे कोल की खतरा, तुहानूं लोकां ने बहुमत तुहानूं इस करके दित्ता सीगा कि घट गिणती दे विच हो ते तुहानूं एम एल ए ब्लैकमेल ना करन, जिवें पिछलियां सरकारां वेले मतलब करदे रहे एम एल ए दे दबाअ दे हेठ, चाहे उह सेंटर गौरमेंट होवे एम पियां दे दबाव दे हेठ ते चाहे पंजाब गौरमेंट होवे, तुहानूं लोकां ने बहुमत दिता, बल्क दे विच बहुमत दिता कि चंगी तरह राज करो और बिना बेपरवाह होए, मतलब किसी भी माफिया की माड़े अंसरां की परवाह ना करो, एडा वड्डा तुहानूं बहुमत ते इन्ना वड्डा तुहानूं कट्ठ लोगों ने इकट्ठा करके दिता होवे ते उस तों बादां वी पंजाब दे ये हालात होण, तुहाडे एम एल ए तुहाडे ते दबाव पाउण ते अफसरां दीआं बदलियां कर दित्तियां जाण, इन्हां चीज़ां का दुख लगता वा। मैं तुहानूं इह गल कहिणी चाहुंदा कि एम एल एआं दी इन्नी ईन ना मन्नो, जे इन्नी ईन इन्हां दी मन्नोगे ते इन्हां ने भला नहीं करना पंजाब दा, इन्हां ने पंजाब नूं लुट्टणा वा, क्योंकि जो मर्जी इन्हां नाल कर लो, काले काग ना होण बगे भावें सौ मण साबण लगे, इन्हां नूं जिन्ना मर्जी धो लवे साफ नहीं होने, जो इन्हां दी सोच आ जो इन्हां दी फितरत आ उहो ही रहिणी आ, तुहानूं इहदे उत्ते सख्ती करनी पैणी आ। दूजा पक्ष मैं भी कहना चाहुंदा कि पुलिस नूं भी इन्नी खुल्ह ना दित्ती जावे, जो मुक्तसर दे विच वकील दे नाल कीता गया, किस तरीके नूं कुट्टिया गया, हाँ जिथे एम एल ए दा रिश्तेदार आ जे उहदे नाल मार कुटाई होई आ तशद्दद होया ते उह गैर मनुखी आ, उह नहीं होना चाहीदा, जो मुक्तसर दे विच पुलिस ने कीता पुलिस नूं भी शर्म आउणी चाहीदी आ। दूजी चीज़ जलंधर दे विच जिहड़े दो भरा मर गए एक एस एच ओ दे दुखों, इहो जिहे कम वी नहीं होने चाहीदे। अज तुसीं वेखो कि पुलिस जदों आपणिआं नूं बचाउण ते आउंदी ते करदी की आ, पिछे जे इक समैक फड़ी गई मेरे ख्याल पुलिस मुलाजमां दे कोलों, ते दो दिन बाद एस एस पी साहब रिपोर्ट दिंदे ने, वह अपनी जारी करते हैं रिपोर्ट कि यह जिहड़ी समैक है ये रिकवरी करन गए सी, ते समैक फड़ी पता कित्थों सी, गड्डी दे बोनट दे विच्चों, ते जे किसी कोलों रिकवरी कीती होवे ते फखर ना करी दी आ कि लका के बोनट दे विच लै के आया जांदा वा। सो अपणिआं नूं बचाउणा भी छड्डो, जिहड़े माड़े अंसर ने, मैं पुलिस अफसरां नूं भी कहना चाहुंदा कि यह कालीआं भेडां जिहड़ियां समैक दा जिहड़ा नशिआं दा धंधा करदे ने पंजाब नूं तबाह कर दित्ता यार, ये जिहड़ा माफिया वा नशा माफिया किन्ना क स्ट्रोंग आ, हाईकोर्ट दे विच चौथी रिपोर्ट खुलनी सी, माफिया इन्ना स्ट्रोंग आ कि कोर्ट दे विच तक वकील करके कुछ भी करके वो रिपोर्ट तक नहीं खुलन देंदे, इहो जे माफिया नाल लड़ना किस तरह वा। सो पुलिस अफसरां नूं भी चाहीदा भी जिथे तुहाडे विच भी नुक्स हैगा उहनूं भी दूर करने चाहीदे आ, बैलेंस जिहड़ा है बना के काम करना चाहीदा वा, काम लोगों के भले लई होने चाहिए ना कि लोगों नूं डराउण लई लोगों ते तशद्दद करन लई। मैं तुहानूं खीर च गल कहनी चाहुंदा भी पंजाब लीह ते नहीं आ रहा, तुहाडे आयां वी नहीं आ रहा, किसी ने इहदी गुत्थी जिहड़ी इन्नी उलझा दित्ती आ भी पंजाब नूं तबाह करन ते किन्नियां एजेंसीज़ ने काम किया, किन्नियां ताकतां ने काम किया, चाहे वह ताकतां देश दे विच आ, चाहे वह परदेश दे विच आ, विदेशां दे विच आ, इन्हां सारिआं दे उत्ते सानूं सारिआं नूं मिल के लड़ना पैणा, क्योंकि गुत्थी बड़ी उलझी आ। और मैं खीर च कह के
समाप्ति करूंगा। मैनू आस किते नहीं नजर आती भी यह किस तरह सुलझाई जाऊगी, किस तरह ये उलझी गुत्थी सुलझूगी कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है।